मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सिरसोद बैराड़ व गोपालपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना व तैयारी करते हुए अंतर्राज्यीय शातिर कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पोहरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि 5 हथियारबंद बदमाशों द्वारा सिरसोद थाना क्षेत्र अंतर्गत डकैती डालने की योजना व तैयारी करने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी सिरसोद मुकेश दुबोलिया व उनके साथ दो और थानों की टीम प्रियंका पराशर, थाना प्रभारी गोपालपुर और बैराड़ से सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शिवहरे व उनकी टीम द्वारा रात्रि में पल्स फॉर्म पर बनी पुरानी खंडहर बिल्डिंग ग्राम राजा की मुंडेरी के पास घेराबंदी कर कुल 3 बदमाशों को पकड़कर उनसे पूछताछ की गई तो तीनों के द्वारा ग्राम राजा की मुंडेरी में जादून पेट्रोल पंप डकैती डालने की तैयारी करना बताया व अन्य 2 साथियों का अंधेरे का फायदा उठाकर भागना बताया। उक्त तीनों आरोपियों के कब्जे से 2 315 बोर के लोडेड कट्टे व 1 लोहे की नुकीली सब्बल बरामद हुई। जानकारी के अनुसार इन आरोपियों पर पूर्व के भी लूट हत्या नकबचनी के कई संगीन अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक इनपुट दिया गया था जिसमें सिरसौद क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की योजना या कुछ डकैतों के होने की एक इनपुट मिला था। उस पर टीमें बनाई गई थी, उसमें थाना प्रभारी गोपालपुर और थाना प्रभारी सिरसौद, थाना प्रभारी बैराड़ और बैराड़ की टीम को सम्मिलित किया गया था। उस टीम ने जब घेराबंदी की तो पल्स फार्म के पास जो सिरसौद में एक जगह है वहाँ हमें ये 5 डकैतों की जो सूचना मिली वहाँ पर पुलिस पहुँची, घेराबंदी की। उसमें 3 मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं, इनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है। इन पे जो गज्जू पारधी है जो उसके ऊपर और इसके अलावा जो नीतू पारधी है, इनके जब अपराध निकाले गए हैं तो इनके पूरे जो प्रदेश है उस पूरे प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्यों में भी बड़ी बड़ी डकैतियाँ इन लोगों ने की है वहाँ ये वांटेड भी हैं। इनके रिकॉर्ड और निकलवाए जा रहे हैं, इनके फिंगरप्रिंट का मिलान किया जा रहा है। तो इनकी 3 राज्यों में इनके द्वारा जो घटनाएँ की गई हैं उसकी पुष्टि अभी हुई है। इसके अलावा इनके द्वारा हत्या के विभिन्न प्रकरण, हत्या के प्रयास के विभिन्न प्रकरण अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं। ये मूलतः गुना के रहने वाले हैं, गुना के पारधी लोग हैं। ये यहाँ किसी बड़ी डकैती करने की योजना से यहाँ इकट्ठे हुए थे, उसको पुलिस ने तत्काल गंभीरता से लेकर घेराबंदी करके इनको पकड़ा है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। कितने टोटल लोग हैं? टोटली भी 5 जो अपराधी हैं, डकैते हैं, इनकी पहचान हुई है। ये सभी पारधी हैं, मोंगिया भी हमारे यहाँ का जो गोपालपुर का एक मोंगिया इसमें चिन्हित किया, उसको पकड़ा है हमने। एक मोंगिया जो भी इसमें फरार है उसकी हम तलाश कर रहे हैं, भरत मोंगिया। इसमें महिला भी है कोई? नहीं, कोई महिला एला इसमें अभी कोई सम्मिलित नहीं है, लेकिन इनसे अभी 2 आला जरड़ जो हथियार हैं, 315 बोर के जो वेपन है वो इनसे जब्त हुए हैं। कुछ डकैती में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो जब्त हुए हैं। और इनने अभी हाल फिलहाल में कहाँ कहाँ घटनाएँ घटित की हैं इसके लिए अन्य राज्यों में भी इनकी खबर दी जा रही है थ्रू मैसेज, थ्रू वीडियो मैसेज, जिससे इनके बारे में और जानकारी मिली। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।